और आपकी ने क्या किया हुआ है, किस खुशी में? ओह वाओ, आरा की मेहंदी तो बड़ी सुंदर है। ओह वाओ, किसने लगाई, किस खुशी में? डिजाइन बहुत अच्छी आती है। आरा को मेहंदी भी फूफी के हाथ की पसंद आती है ना? हाँ, यहाँ तक सॉरी नहीं, यहाँ तक नहीं, जो मेरी हेयर कुछ नहीं है, जब मेरा बर्थडे आएगा ना तो उससे पहले मैं फूफी फूफी मेरी मेहंदी लगाऊंगा, तो पता मैं कहाँ तक लगाऊंगी, कहाँ यहाँ तक, जब मेरी उंगली दिख रही ना यहाँ तक लगाऊंगी, फिर देखूंगी तो फूफी मेरी कैसी मेहंदी अच्छी लगाती है। अच्छा, और लगाई किस खुशी में है? क्योंकि कल आ रहे दिल्ली वाले और कल आ रहे हैं आगरा वाले, बहुत चाचा और फिर तुम कल तुम और अच्छे कपड़े पहनूंगी। और अच्छे कपड़े पहनूंगी फिर क्या होगा? फिर मैं सारे नहीं, मैं ऊपर चेंज करूंगी और सारे के फूल सजा दूंगी, सबके हो छुड़ा देंगे। वैसे मेरे को भी नहीं पता कि वो लोग ऊपर आएंगे कि नीचे, मैंने सोचा कि नीचे ही आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे इतनी सारी जगह। हाँ, नीचे ही आएंगे। तो आप ये कहना चाह रही है, चलो मैं आपको खुद ही बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जुलजू, मैं भूल गई। तो बस जी, आज बड़ा ही खुशियों वाला दिन है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं क्या, मेरे पूरे घर वाले खुश हैं, मैं तो फिर भी अपनी खुशी अपने दिल में दबाए बैठी हूँ, लेकिन घर वालों की खुशी भी दब रही है, वो सारी तैयारियों में नज़र आ रही है। अच्छा, मैं मतलब आप इतना चल फिर नहीं सकती, तो मैं आपको उतना कुछ नहीं दिखा सकती, वरना बस सब तैयारियों में लगे पड़े हैं। और क्यों लगे पड़े हैं आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। वैसे अपी के चैनल से काफ़ी लोगों को पता चल गया है क्योंकि अपी की भी तैयारियाँ हैं वहाँ से, लेकिन मैं फिर भी ऑफिशियली बता देती हूँ कि भाई आज हमारे घर वाले आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, मम्मी पापा अपी भाई जी बच्चे सब आ रहे हैं, उधर से अनु माजेद ये लोग भी आ रहे हैं। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी सबसे मिलने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से सबको रोका हुआ था कि नहीं आना है, नहीं आना है, मैं जब घर पहुँचाऊँगी तब आना है। तो बस अब घर पे आ रहे हैं सब लोग, और आज छोटा मोटा सा हम लोग छठी का प्रोग्राम भी कर, प्रोग्राम नहीं, फिर लोग बोलने आ जाएंगे कि ये वो छठी कर रहे हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अब 12 दिन हो चुके हैं, 12 हो गए ना, हाँ 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन हम आज छठी कर रहे हैं, ठीक है। हाय, हाय ला गया देखो, आप भी हाय कर लो। आयल को हाय करना बहुत अच्छे से आता है, जैसे कैमरा ऑन होता है आई लाइक करता है। यहाँ पे बाजी ने सब क्लीन कर दिया है, पूरा घर सब चमका दिया है, ऊपर से नीचे तक सब चमका दिया। अच्छा, कुछ कुछ वीडियोस में आपको वहाँ पर जैसे कुछ सामान दिखता है ना, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि ये तो चलो अभी छोटी है, छोटी है, लेकिन 3 बच्चों का घर है और इनकी इतनी धमा चौकड़ी होती है, इतना सामान फैलाते हैं लोग कि पूछो मत, आप समझ सकते हैं ना। तो उस वजह से वरना अब तो खैर ये सब बाजी ने ये मेट्रीन वगैरह सब क्लीन कर दिया है, और रोज़ ही कर देती हैं, लेकिन ये है कि बच्चे कर देते हैं दोबारा से दिन। अब भी देखें, खेल कूद की बिल्कुल तैयारी शुरू है। इन दोनों में लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है और इन दोनों में प्यार भी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं हैं और लड़ते भी बहुत हैं। हाँ जी, छोना थोड़ा सा नूनों के दिखा रही हैं। तो चलो, अभी तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है और बाकी जो भी चीज़ें होंगी जितना कवर कर पाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। यहाँ पर आयरा पी पानी चाहिए अभी से, पानी आयरा पी सबको खाना खिला रही हैं। सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 10:30। बताया हाँ बच्चों के लिए कुछ सरप्राइज, दिल्ली वाले आ रहे हैं और आगरा वाले, हाँ, और बच्चों के लिए कुछ सरप्राइज है, ये नहीं बताया है ना। मुझे लग रहा है कि हमारा हाउस आएगा। नहीं, नहीं। हाँ भैया, मानी मानी इसे पानी तो दो, कोई वो ग्लास मांगे आ रहा जो लिबा के लिए आया था, वो ऊपर ही चला गया वापस। भैया ऊपर से पी करा, यहाँ ग्लास नहीं है, नहीं है। हाँ लिबा, आपको और खाने चावल हैं? लिबा चावल और खाने हैं, वो बर्तनों में ही चला गया, दादी ने लेके गई, सबको मिर्ची लग रही है। ऊपर से आ रहा पानी की बोतल लेकर आना बेबी, हाँ ये तो हमारा बॉयल पानी है ना। आप नाली, और आपकी छोटी बीबी क्या कर रही है? छोटी बीबी सो रही है, पास आइए, पास आइए। बस
हाय गाइस, को दिखाइए कि मैंने कौन सा सूट पहना है आज। मुझे कौन सा कॉटन का बना हुआ है, नीचे से पॉलिसिन तो गिर गई है भाई। अब दिखाइए आप नीचे से ऊपर तक। हाँ जी, तो मैंने ये सूट पहना है। अब बाकी की बात मैं वहाँ बैठ के करूँगी क्योंकि यहाँ पंखा चल रहा है ना, ये वाला। तो मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। हाँ जी, तो मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और मतलब अभी ये तो सिर्फ नहाई हूँ, बाकी रेडी वेडी तो जो होगा अभी मुझे भी नहीं पता, तो जो होगा वो पता चल जाएगा आप लोगों को। और ज़्यादा क्या रेडी होना, बस चूड़ी वूड़ी पहनी हूँ तो वो बाजी की लगेंगे मुझे। और मैं पहनूंगी अपनी फ्रॉक जब वो लोग आ जाएंगे। और मैंने आज नया सूट पहना है, नया सूट ये वो वाला है, मैं आपको दिखा ही नहीं पाई। मम्मी ने मेरे लिए सूट मंगवाए थे मथुरा से, बाजी से, जो ईद पे, जो मेरा ईद का कलेक्शन आप कभी नहीं देख पाते, लेकिन ईद पे मेरे लिए हमेशा कपड़े आते हैं, 3-4 जोड़ी मम्मी ज़रूर दिलवाती है, और मेरी पसंद के सारे। उसमें से एक ये था, ये मैंने थोड़ा सिंपल में लिया था, बाकी पार्टी वेयर है। अब इतनी गर्मी है और मैं भी बिल्कुल भी इतनी ठीक नहीं हूँ कि मैं इतने हैवी कपड़े पहनूँ, इसलिए मैंने ये सिंपल वाला पहन लिया। पीछे के दिखाओ, मेरे सूट का बॉर्डर दिखाओ। ये मेरे सूट का बॉर्डर, और ये इस तरह से इसके काम हुआ है। कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी दिनों बाद मैंने सूट पहना है, मतलब जब से डिलीवरी हुई है, आज 12वां दिन है। हाँ, 12वां दिन है, तो 12 दिन बाद मैंने सूट पहना है, वरना तो वही मैक्सी वगैरह चल रही थी। खैर, वो वक्त भी बहुत मुश्किल होता है और धीरे धीरे बीतता है। अब थोड़ी थोड़ी मैं ठीक हो रही हूँ, इंशाल्लाह और दिन गुजरेंगे तो और ठीक हो जाएंगे। बाकी रही अंदर की कमज़ोरी की बात, तो वो तो सच में बहुत दिनों तक ले जाती है, और जिनके अंदर ब्लड कम होता है उनको तो बस पूछो ही। मैं आज भी उठती हूँ, मेरे हाथ पैर खांपते रहते हैं। और हाँ, घर निकले नहीं निकले, 11 बजे तक तो निकले नहीं थे, और अन्नू निकल चुकी है। अब देखो अन्नू आ जाएगी शायद 12 बजे। अरे टाइम दिखाओ, तो बस, तो अभी 12:10 हो रहे हैं। अब देखो शायद अन्नू 1 बजे तक आ जाए, क्योंकि अन्नू तो 11 बजे निकल गए। तो चलो सबको आने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद क्या होता है। उससे पहले अरे ये अरेंजमेंट दिखा दो, आने हाँ थोड़ा इधर हो ना, मैं दिखनी चाहिए पूरी बैठी हूँ, पूरी बैठी हूँ। हाँ, तो मैं बस यही कह रही थी कि अन्नू निकल चुकी है, अन्नू आ जाएगी शायद 1 बजे तक, और बाकी सबको तो लेट होने वाला। और मैंने बहुत गुस्सा किया था कि इतना लेट क्यों कर दिया, मतलब बंदा बैठ के बात भी ना कर पाए थी, तो ऐसे क्या बात होती है। मैं तो उन्हें जाने नहीं दूँगी, मैंने तो सोच रखा अगर उन्होंने ज़्यादा लेट करी मैं उन्हें नाइट स्टे करवाऊंगी। तावे के लिए तो इतना ही, और ये सब दिखा दिया था, ये सब नहीं दिखाया, अरे ये नहीं दिखाया, दिखाओ। तो बैठने का आप अरेंजमेंट देखो, इधर मुझे दिखाओ, तो आप लोग बैठने का अरेंजमेंट देख लो कितना अच्छा बाजी ने किया है। चलो वहाँ जाओ, पहले तो बैठ सकते हैं यहाँ पर, पूरा एक और बना दिया है सिटिंग अरेंजमेंट, पूरा आराम से देखो। दिमाग का चट्टू रखा, दिमाग का चट्टू हटाइए, आई थिंक देख लेंगे। तो बस, और यहाँ पर है सोफा, तो मतलब कितने भी लोग आते हैं आराम से बैठ सकते हैं, और इधर आइए। और मेरा मानना ये है, बस, और मेरा मानना ये है कि इंसान के दिल में जगह होनी चाहिए, रिश्तेदार तो उसमें समा ही जाते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद इसी के साथ, ठीक है ना। मैं चूड़ी पहनते दिखा रही हूं, कैमरा ऑन है। तो बस ये वही चूड़ी की रस्म हो रही है जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि अभी मुझे तैयार करेंगे तो उसमें वही चूड़ी की रस्म होगी, और हमारे यहाँ ग्रीन चूड़ियाँ पहनते हैं। कितने दिनों बाद ये सब चीज़ें करो, कितना अच्छा लगता है ना। अभी 9 महीने से ऐसा कोई सहज श्रृंगार ही नहीं करा हमने, तो अब 1 साल के करीब हो गया, खड़े रह गए तुम्हारे उधर। हाँ, लग गया अच्छा। और आहिल भैया को दिखाओ क्या हीरो बनकर आया है, मुझे भी दिखाना। आहिल हमारा हीरो बनकर आया है ना, है ना, स्मार्ट लग रहा है बंदा, ऐसा लग रहा है खाना दावत खाने आया। तो वो दावत खाने आया है। हाँ, मैं आपको भी तैयार करूँगी अभी, रुक जाओ, अभी पहना दो ना भुवन दो, फिर सो जाएंगे। कौन सा कहीं बाहर थोड़ी जा रहे हैं। ठीक, मुझे इसका आ रहा तो पहन के घूमती रहेगी, अब वैसे पहनाई देती हूँ, तैयारी करती हूँ, क्योंकि वो लोग आ गए तो फिर किसी को होश ही नहीं उड़ पाएंगे, होश उड़ाने सबके। इसके सपने भी ऐसे होते, मैंने आपकी शादी की अभी इतनी वो है ताना मत, ठीक है ना। अच्छा, ये अपने आप टूटेंगे, है ना, ताना नहीं।
नहीं तो ये परेशानी वाली है भी नहीं। सुबह के टाइम पे मुझे पहनाओगे तो वो क्यों थी? वो तो बुरी थी। मैंने इतने आए अपने उनको बुलाने नहीं किया, कितने सारे पैसे ले गई थी और पहना के। और कितने चुभने वाली लिबा को निलाते थे। तो मेरी भी रखी रखी है पूरी। पहले तो आप निलाती थी तो इसके कहीं ना कहीं रैशेज पड़ते ही थे। फिर जब मैं घर चली गई ना, मैंने ला दी थी फेस के रैशेज। मैं बाहर में जाए थी चूड़ियाँ जो मेरे बच्चे को लग रही हैं। यही सारी चीज़ें होती हैं। आरा मुझे दिखाओ, ओ आरा मुझे दिखाओ। तो यही सारी रस्में होती हैं और ये बहुत अच्छी लगती हैं। छोटी छोटी हैं, आप काफ़ी लोग सब देंगे इकट्ठा, इकट्ठा हिसाब होगा। बाजी नेक मांगे मैंने कहा इकट्ठा हिसाब करेंगे, फुटकर में हिसाब नहीं करेंगे। फुटकर में हिसाब नहीं करेंगे हम। अपनी चूड़ियाँ दिखाओ मम्मा। हाँ मम्मा अपनी चूड़ियाँ दिखाओ। तो कौन सा गाना है वो, कौन सा गाना है? मेरी चूड़ियाँ हरी हरी चूड़ी वाला गोरी है कलाइयाँ। अच्छा गोरी है कलाइयाँ आ गई मेरी हरी हरी चूड़ियाँ। तो बस अब हमने चूड़ी भी पहन ली है। मैं लिपस्टिक रखना भूल गई, लिपस्टिक नहीं लगा पा रही हूँ। कोई हो तो मुझे उंगली में दे दो, क्योंकि अभी मेरा परहेज है तो उंगली में दे दो, मैं उंगली से लगा लूँगी। ब्रश वाली है? ब्रश वाली हाँ दे दो, मेरी उंगली पे लगा दो। अभी क्यों कौन सी कलर की है? रेड वाइट देना, मरून करूँ। नहीं मैरून भी नहीं, थोड़ा सा बेज कुछ डाल दो, पूरा कर दे डार्क। मैं ले, मैं खुद ही रेड वाइट में मैंने लगाऊं शादी वाली है तभी। हां यहां पे लोगों ने लगाई मेरे मालूम पड़ी, मैं मालूम पड़ गया, मैंने लगा दिया। हां मम्मी मुंह का पता चल चुका है तो अब मैं कपड़े निकाल दूं बच्चों के, क्योंकि आयरा कल से ये कह रही है कि आयरा जब तैयार होकर आएगी तो सबके क्या हो जाएंगे, होश। तो ये तो है लिबा की फ्रॉक, ये है लिबा की फ्रॉक। ये ना धो के रखी थी तो इसलिए नहीं है ना ऐसे। जी मम्मा, हाँ जी हाँ जी, भिजवा रही हूँ। छोना गई है ऊपर नहाने के लिए, बाजू से ऊपर ही ला रही। और आया तुम्हारी फ्रॉक कहाँ रख दी हमने? वही रखी है, उसी में रख दी। अच्छा चलो आ रहा के निकालती हूँ, फिर मिलती हूँ, ये सब निकालू बाद।